हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, और वो भी कौन सा पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ये बेटा इसमें एक लेक्चर भी लग सकता है और दो भी लग सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हेलो एल्केन हेलोरिन में आप जैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके पास यूज़ होता है, तो जितना स्लो स्टडी करोगे उतना बेटर है इसको, ठीक है। आप चाहे दो पार्ट में पढ़ लेना, चाहे एक पार्ट में। एक पार्ट होगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास हो जाएगा। अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे तो अराउंड आपके पास आधे आधे घंटे का होगा। तो देख लेते हैं, जितने देरी का भी आपके पास एक कंटिन्यूस लेक्चर बनता है उस हिसाब से देख लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए आप लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअल में क्या क्या बातें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, ये एज इट इज आपके पास इनऑर्गेनिक के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपके पास बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल इन द सेंस क्या है कि आपके पास कोई प्लेन पोलराइज लाइट होगी किसी सॉल्यूशन के अंदर, आपके पास क्या करेगी, पास करेंगे, और पास करते हैं तो उस पर जो कंपाउंड है, वहाँ जो कंपाउंड है तो उसका इन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है, वो किस तरह के मिक्सचर को प्रोवाइड करेगा, क्या आपके पास उनके कितना स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑप्टिकल में आपके पास क्या है कि अगर आप लोग ऑप्टिकल जिक्र करते हो कि सर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, तो आप लोग यहाँ कह सकते हो द लाइट वाइब्रेशन अकर ओनली इन वन प्लेन इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या जिक्र करेंगे कि अगर आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिक्र करते हो तो आप लोग यही बताओगे कि आपके पास कोई भी आपके पास लाइट है जो कंसिस्ट करेगी रे को एंड वेरिंग द वेवलेंथ एंड वाइब्रेट द पॉसिबल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर कहता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जिक्र करेंगे एक वर्ड कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। क्या जिक्र करेंगे बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट। कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, फिजिक्स में जो आपने पढ़ा होगा दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। कि प्लेन पोलराइज लाइट की अगर बात कर रहे हो तो ये क्या होती है, तो ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे, दिस इज ऐसी लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो आपके पास क्या होती है, इस तरह से पास होती है, इस तरह से ऐसे निकलती है, यूं, बस समझ में आ गई। और जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी वो एक ही प्लेन में अगर वाइब्रेट करती है तो दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, तो आप वहाँ जिक्र करके बता सकते हो कि सर ऐसी लाइट जो क्या करती हो, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक शब्द में किसी को अगर बताना हो तो सर आपके पास ऐसी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही हो, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डेफिनेशन देना चाहते हो तो डेफिनेशन आप सिर्फ ये लिख सकते हो द लाइट हुज द वाइब्रेशन ओनली अकर इन वन प्लेन इन टर्म्स आर कॉल्ड पोलराइजेशन, या आप कह सकते हो सिंपली पोलराइज्ड लाइट। तो आपने पोलराइज्ड लाइट तो देखी भी होगी, बहुत सारे चश्मे आते हैं जैसे गोगल्स हम लोग जो लगाते हैं, आपने रेवन से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े ग्लास सनग्लासेस देखे होंगे, उनमें लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टर। यूवी प्रोटेक्टर यानी वो यूवी रेडिएशंस को आपके पास क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें आपके पास एक्सरे से लेकर आपके पास काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे हम लोग कहीं में देखते हैं कि भाई चश्मा ओरिजिनल है या लोकल है, तो हमारे लोग पास जितने भी रिमोट होते हैं उस रिमोट में आपके पास लाइट होती है, आप उस चश्मे के आगे लगाओ, उस इक्विपमेंट को जलाओ, अगर वो इक्विपमेंट स्टार्ट हो गया तो सिंपल सी बात है वो ग्लासेस आपके पास लोकल है, वो यूवी प्रोटेक्टर नहीं है। अगर वो आपके पास स्टार्ट नहीं होता दैट इज़ यूवी प्रोटेक्टर, इसका मतलब आपके पास वो क्या है, एक यूवी प्रोटेक्टर, एक पोलराइज्ड ग्लास है, उसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पोलराइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी रेडिएशन जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर बात आती है सर इनको, अगर हम लोग बात करें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, इसको मेजर करने के हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको बोलते हैं पोलरीमीटर, इसको जिससे मेजर करते हैं इस रेडिएशंस को, इसे आपके पास लाइट को, उसको बोलते हैं पोलरीमीटर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या लेंगे, आपके पास नाम देंगे पोलरीमीटर का, कि पोलरीमीटर आपके पास क्या होगा। तो कहता है कि एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, यानी अगर आप लोग क्या करते हो, द सब्सटेंस हैव द एबिलिटी रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपके पास कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो रही है किसी सॉल्यूशन से, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है या जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है उसका जो रोटेशन है वो दो तरह से पॉसिबल है।
या तो वो क्लॉकवाइज पॉसिबल है या वो एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो आपसे कोई कहते हैं सर आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो आप कहोगे द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव। जहाँ पर आप लोग क्या बताते हो, एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी एबिलिटी टू रोटेट, कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो इस लाइट के थ्रू अगर आपके पास रोटेशन शो कर रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये एबिलिटी जो है ये एबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या कहलाती है आपके पास, ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहले आपको क्या दिमाग में डालना है कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। तो ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करें उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे ये आपके पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, अगर इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे जा रही है वो प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं और वहाँ उसकी एबिलिटी आ जाती है कि सॉल्यूशन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप लोग एक टर्म्स का इस्तेमाल करते हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो नेचर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, या कंपोनेंट का जो नेचर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो आपके पास जो एबिलिटी आप बता रहे हो, जो आप बता रहे हो कि भाई आपके पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो एबल टू रोटेट एंड प्लेन पोलराइज लाइट आइदर द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो इस प्रॉपर्टी को इन्होंने नाम दिया किसका, आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी का। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया किसका, ऑप्टिकल एक्टिविटी का। और जो ये सारा चीज मेजर करेगी उसको बोलते हैं पोलरी मीटर। उसको क्या बोलते हैं, पोलरी मीटर। तो अब हमें ये जिक्र करना है कि सर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी चीज़ का भी मेजर करेंगे तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ होना जरूरी है जो हमारे को बताएगी ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। चलिए देखिए कुछ पॉइंट है उनको हम लोग जिक्र करते हैं कि आपके पास कैसे बताएंगे, किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आपके पास आता है कि अगर आप लोग बता रहे हो कि एंगल ऑफ रोटेशन वो हमेशा डिपेंड करेगा, जो एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन इज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो पहली बात आपके पास क्या रहेगी, तो सबसे पहली बात रहेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये याद रखना आपके पास कि किन किन बातों पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस। दूसरा होगा आपके पास वेवलेंथ, जो लाइट की वेवलेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा आपके पास मिलेगा आपके पास क्या, कॉन्सेंट्रेशन, किससे मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। चौथा पॉइंट आपके पास क्या मिलेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या मिलेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोल रहा हूँ इसको, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट मिलेगा आपके पास कि लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू द पोलराइज लाइट, क्या बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ पोलराइज लाइट, कि पोलराइज लाइट की जो लेंथ पाथ होगा उस पर जरूर डिपेंड करेगा। और अगर सिक्स पॉइंट लेके बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट आपके पास क्या आता है, उस कंपोनेंट का यानी उस सॉल्यूशन का आपके पास जो भी हम लोग बना रहे हैं, द टेम्परेचर विच मेड मेजरमेंट इज मेड, या सॉरी द टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट आर मेड, कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा जिस पे वो कंपोनेंट रोटेट कर रहा होगा। बस समझ में आ गया। तो आपको कुछ ये चार पाँच पॉइंट है जो अपने दिमाग में रखने हैं कि कोई पूछ ले जो सर आप लोग रोटेशन दिखा रहे हो वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करते हैं, तो आप वो बताओगे सर वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, वो आपके पास उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं, किसकी वेवलेंथ पे, जो पोलराइज लाइट आप दिखा रहे हो। फिर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात होगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा आपके पास, लेंथ ऑफ पाथ यानी आपके पास जो लाइट वहां से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाइट यहां पे और यहां पर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसका पाथ भी डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि आपने क्या किया, जैसे हमारे पास क्या होता है कि हमने एक डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और सॉल्यूशन दूर है, लाइट इधर से आ रही है, तो एक पाथ ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो उससे सिंपल सी बात है मटेरियल पार्टिकल भी रोल प्ले करेंगे, तो यानी उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे लाइट को, इसलिए कहते हैं जो पाथ है वो जरूर रोल प्ले करेगा, लेंथ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या, जहाँ पर वो रोटेट कर रहा होगा, जहाँ वो रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी बन रही होगी, उसका जो टेम्परेचर है वो जरूर मेजर करना है। तो ये चार पांच बातें हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अफेक्ट करती है। कि अगर आप कहोगे सर ये रोटेट हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पांच छह बातें हैं जो रोल प्ले करेगी, ये होगा भी या नहीं होगा।
तो इसमें एक वर्ड आएगा आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास रोटेशन प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, या आपके पास कह सकते हो 1 डेसीमीटर, एंड द यूनिट कंसंट्रेशन 4 गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट द गिवन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। अगर हमें किसी का भी स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आपके पास तो अल्फा ऑब्जर्व अपॉन में एल इंटू में सी, ये क्या होगा आपके पास, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। अगर आपको किसी का स्पेसिफिक रोटेशन निकालना हो तो अल्फा ऑब्जर्व लेंथ, आपके पास आपको पता है कि एल हमारे को किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर, सी आपके पास कंसंट्रेशन होगा वो आपके पास 1 ml इन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके पास क्या होगा 1 ml या 1 ml ग्राम लेके चलेंगे। लेंथ आप लेके चल सकते हो, ये आपके पास क्या होगा अल्फा जो होगा, ये अल्फा आपके पास क्या होगा, रोटेशन शो करेगा कि अल्फा इज द रोटेशन ऑब्जर्व, कि लेंथ आपके पास मिल गई इन डेसीमीटर, कि लेंथ की अगर बात करोगे तो ये किसमें होगा, इन डेसीमीटर, इन डेसीमीटर। ये आपके पास क्या होगा अल्फा, जो आपके पास ऑब्जर्व या रोटेशन ऑब्जर्व, ये क्या होगा आपके पास, रोटेशन ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये छोटा सा फार्मूला बनेगा कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी का स्पेसिफिक रोटेशन निकालना हो तो मुझे क्या क्या गिवन होगा, तो मुझे गिवन होगा अल्फा, अल्फा जो आपके पास क्या होगा, रोटेशन ऑब्जर्व होगा, एल आपके पास लेंथ होगी इन डेसीमीटर, और सी आपके पास क्या होगा, एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रॉपर बताएगा, आप लोगों ने अगर मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन का नाम सुना भी होगा, बायोलॉजी में बायो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेसिफिक रोटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, शुगर ग्लूकोज इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ स्पेसिफिक रोटेशन इनके बारे में बताया जाता है। बट हमें फिर फिलहाल इतना याद रखना है कि हमें PhD तो करनी नहीं है, हमें इतना याद रखना है कि एक्चुअल में स्पेसिफिक रोटेशन था क्या, क्लियर है। डेफिनेशन चाहे आप इससे बनाओ चाहे डेफिनेशन लिखो, डजेंट मीन, आप फार्मूला भी याद रख सकते हो। तो अल्फा ऑब्जर्व ये आपको गिवन होगा, लेंथ आपको गिवन होगी, कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, आप कैलकुलेट कीजिए, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास क्या होगा स्पेसिफिक रोटेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पेसिफिक रोटेशन की, तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्या ले लेते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज एट 20 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज के हम लोग ले लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज एट 20 डिग्री सेल्सियस, कि स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिखाना है ऑफ सॉरी सुक्रोज C12H22O11 at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने आपके पास वेवलेंथ दे रखी है, आपके पास लैम्डा, जिसको हमारे पास कितने दे रखी है, तो लैम्डा आपको पता है कि हमारे पास अगर हम लोग बात करें किसकी, कि सोडियम लाइट की, कि यूजिंग द सोडियम लाइट, तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है आपके पास, 58.93 angstrom, राइट। और इसका अगर हम लोग बात करें क्या कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आपके पास या डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो पॉजिटिव 66.5 डिग्री ये हमारे पास मिलेगा, ठीक है, इज डिनोटेड एज। तो अगर हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके स्पेसिफिक रोटेशन की, अल्फा 20 डिग्री सेल्सियस पे एट ए कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास क्या बनती है, पॉजिटिव 66.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या मिलेगी, एट ए कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या दे रखा हुआ, 0.02 ग्राम पर लीटर। तो ये जो जनरली है ये वेवलेंथ है, अगर हमारे पास अल्फा ऑब्जर्व गिवन है, जैसे ये अल्फा ऑब्जर्व है, हम यहाँ रख देंगे, लेंथ हमारे को मिल गई, कंसंट्रेशन मिल गई, तो वो एक पर्टिकुलर आपके पास बता देगा कि वहाँ स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। जनरली स्पेसिफिक रोटेशन के क्वेश्चन आगे जाके नेट गेट भी मिलते हैं, प्लस टू में इतने क्वेश्चन आते नहीं है, नया अगर हम लोग बात करें इलेवंथ में तो इतने क्वेश्चन आते नहीं है, तो जनरली बस आप याद रखोगे एक्चुअल में स्पेसिफिक रोटेशन था क्या, तो अल्फा अपॉन में एल इंटू में सी, तो अल्फा अपॉन में एल इंटू में सी आपके पास क्या होगा, अल्फा आपके पास रोटेशन ऑब्जर्वेशन होगी, रोटेशन ऑब्जर्व होगा, एल लेंथ होगी, सी कंसंट्रेशन होगी। हमने एक पर्टिकुलर सुक्रोज की बात की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो आपका उसके स्पेसिफिक रोटेशन जो है या जो आप लोग दिखा रहे हो अल्फा, वो आपके पास जनरली कितना दिखा रहे हो। लेंथ अगर आपके पास मेजर है, ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन मेजर है, तो आप पुट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी हमारे स्पेसिफिक रोटेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना आगे जाके हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रहेगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइन होगा ये ध्यान रखना है क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा भी होगा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, जब हम लोग लेते हैं तो उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव इट मीन्स क्लॉकवाइज, नेगेटिव इट इज
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए ये तो छोटे टूल्स हैं जिसमें आपके पास अभी ऑप्टिकल का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब मेजर पॉइंट आता है आपके पास ऑप्टिकल का। ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो जानना जरूरी था, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी हम लोग लेके चलेंगे कि सर अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई पूछ ले आपसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो कंपाउंड हैविंग द सेम या सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर ओनली द बिहेवियर टूवर्ड्स द पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिस नॉन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहता है कि ऐसा कंपोनेंट जिनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, प्रॉपर्टी आर सेम। एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी द कंपाउंड हैविंग द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट ओनली डिफर। कि सर अगर डिफर कर रहा है कि ओनली डिफर, अगर वो डिफर कर जाए किसका, कहता है कि द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि अगर कोई पोलराइज्ड लाइट पड़ती है और उसकी क्या हो जाए, उसका जो आपके पास क्या कह रहे हैं कि डिफर ओनली द बिहेवियर, कि जो उनका बिहेवियर है, डिफर ओनली द बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है वो आपके पास डिफर हो जाए किसके थ्रू, कहता है कि ऑन द प्लेन पोलराइज लाइट, कि प्लेन पोलराइज लाइट जब पड़ती है तो उनका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाए, अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या उस फिनोमिना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो सर पोर्शन को ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो फिनोमिना होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस समझ आई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास क्या है, हमने अभी तक पढ़ते आए कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही पढ़ा, चेन पढ़ा, रिंग चेन पढ़ा, पोजिशन पढ़ा, सारी चीज़ें वहाँ पढ़ी। अब जब ऑप्टिकल के बारे में जिक्र होता है तो ऑप्टिकल के फार्मूला तो वही बनेगा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट यहाँ क्या आ रहा है, दे हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम हो, बट जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो उसका बिहेवियर बदल जाए, जैसे उसकी लाइट पड़ती है तो उसका बिहेवियर बदल जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइए देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से कंपोनेंट को हम लोग लेके ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आपको पता लगेगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव रोटेशन देखें, एक बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर नेगेटिव की बात होगी तो लेवर रोटेटरी। अब सबसे पहले आप लोग पढ़िए कि आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते कैसे हैं, किसी कंपोनेंट की ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आपको देखनी है तो वो किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि वो पॉजिटिव रोटेशन दे रहा है या डेक्स्ट्रो दे रहा है, डेक्स्ट्रो या दे रहा है लेवो, ठीक है। इसको नेगेटिव लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ये दो पार्ट होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का। जैसे आपके पास कोई लाइट पड़ी, लाइट पड़ती है इसका मेरे इमेज उल्टा हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए इसमें हम लोग कैसे कहते हैं, अगर आप लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाना चाहते हो तो कहते हैं ऐसा कंपोनेंट जो आपके पास क्या हो, नॉन सुपर इम्पोज हो इट्स मिरर इमेज, आर कार्ड। इसमें हमारे पास दो पार्ट डिवाइड होंगे, एक तो कायरल क्या होते हैं, एक अकायरल क्या होता है। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस देखने हैं कि हमें कैसे पता लगे सर ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो हम किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरी कौन सी होगी, जैसे हमारे पास क्या होगा, हम लोग किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे हमें कैसे पता लगे कायरल है या अकायरल, तो एक वर्ड लिखेंगे कायरल, कायरल दैट इज कायरल नॉट चिरल, कायरल कोई चिरल नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं चिरल, दैट इज कायरल, कायरल ये वर्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ, कायरल, कायरल, ठीक है। तो कायरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई कायरल को अगर हम लोग लेते हैं, देखिए स्पेसिफिक लैंग्वेज से अगर बात करें तो ऐसा कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोज हो अपने मिरर इमेज का, वो क्या कहलाएगा, कायरल। देखिए ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप, इस हाथ को देखिए, क्या ये हाथ इस हाथ का मिरर इमेज है, साफ दिख रहा है। अगर मैं इस हाथ के मिरर पे सामने रखूंगा तो ये हाथ इस हाथ का मिरर इमेज आएगा। अब हाथ को ऐसे उठाइए और ऐसे ले लीजिए, ऐसे उठा के ऐसे रखिए, तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोज हो गया। नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोज का मतलब होता है ये लादना, एक के ऊपर एक चीज़ आ गई तो इसका मतलब वो सुपर इम्पोज है, लाइक दिस, इसके ऊपर ये आ गई तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोज है।
अगर नहीं आती है तो वो क्या कहलाता, नॉन सुपर इम्पोज। जैसे हमने क्या क्या, ये हाथ था, इस हाथ को ऐसे रखा तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो गया। ऐसे नहीं, ये बात ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि ऐसे हो जाएगा सर, ऐसे नहीं, जिस तरह उठाया उसी तरह से आपको रखना है यहाँ पे, दैट इज नॉन सुपर इम्पोज इट्स मिरर इमेज। तो मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ काइरल है। अगर मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, इस हाथ का इमेज ये है और ये नॉन सुपर इम्पोज हो गया अपने मिरर इमेज का, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, काइरल। जनरली आपके पास काइरल का मतलब हैंड ही होता है, काइरल का मतलब जनरली आपके पास क्या होता है, हैंड, ठीक है, क्योंकि ये हैंड एक दूसरे हैंड का क्या है आपके पास, नॉन सुपर इम्पोज। क्या होगा, इट इज नॉन सुपर इम्पोज, आप कह सकते हो इट इज नॉन सुपर इम्पोज, इट इज नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज, इट्स नॉन सुपर इम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज, कि अपनी मिरर इमेज का वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोज हो, नॉन सुपर इम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा काइरल। बस समझ में आ गया, जैसा एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या ले लेते हैं हम लोग, हम ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए बी, और इस बी का मिरर इमेज आपके पास क्या हो जाए, ये बी हो जाए, राइट। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो इस बी का मिरर इमेज ये भी है, यहाँ मिरर बना देते हैं, ये मिरर है मान लीजिए, क्लियर। अब इस बी को ऐसे उठा के इस पर रखिए, ये तो नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, काइरल हो गया, नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, काइरल। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपके पास ये पी है, इस पी का मिरर इमेज ये पी होगा। अब इस पी को उठा के इस पर रखिए, क्या आएगा, नहीं आया, इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गया, काइरल हो गया। तो जितने काइरल कंपाउंड है वो सारे क्या होते हैं, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। जितने काइरल कंपाउंड, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल काइरल कंपाउंड जितने काइरल कंपाउंड है वो सारे क्या होते हैं, ऑल काइरल कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी उसका रोटेशन पॉसिबल है, यानी उसका रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। तो आपको ये पता लग गया काइरल कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसा कंपोनेंट जो नॉन सुपर इम्पोज अपने मिरर इमेज के, वो क्या कहलाएगा, काइरल कहलाएगा। अगर आप कहते हो सर अकायरल की बात होती है तो जैसे ये ए है, ये इसका मिरर इमेज ले लीजिए ए, अब आप देखिए ए का मिरर इमेज ए बन रहा है, आप इसको उठाइए इससे 3D के अंदर और उठा के एज इट इज रख दीजिए, इसका मतलब आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया सुपर इम्पोज। जो चीज सुपर इम्पोज हो अपने मिरर इमेज के, वो क्या कहलाएगी आपके पास, अकायरल, क्या कहलाएगी, अकायरल। द सुपर इम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज आर अकायरल। अगर वो आपके पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है तो काइरल। नॉन सुपर इम्पोज जितने हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये क्या होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस समझ में आ गई। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है किसी भी कंपोनेंट को, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास क्या दे दिया, कोई जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये डस्टर ही दे दिया, अब मैं इस डस्टर का एक मिरर इमेज बना लूँ, आप इसको उठा कैसे रखिए आगे इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस समझ में आ गई, इस पर लाइट पड़ेगी तो मिरर इमेज इसकी एज इट इज बनेगी, इन्वर्ट नहीं होगी, क्लियर। अब जैसे क्या रखा हमने रखा जैसे इसके मिरर के सामने खड़े हो जी, आप खुद आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको पता है कि आप मिरर के सामने ये देख लीजिए हाथ है, इस हाथ का मिरर इमेज है, इसको खड़ा, ये आ गया नॉन सुपर इम्पोज, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जितने आपके पास काइरल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जितने अकायरल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। फिर भी इनमें कुछ ऐसे केस मिलेंगे जो हमारे पास काइरल होते हुए, अकायरल होने के बावजूद भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस हमारे को मिलेंगे, क्योंकि देखो एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, बट फिर भी हम लोग ये ना लेके चले, पर ये सीधा सीधा अगर लेके चलते हैं कंसेप्ट, तो काइरल कंपाउंड क्या होंगे, दीज आर दोज कंपाउंड विच इज अ नॉन सुपर इम्पोज, सॉरी नॉन सुपर इम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड काइरल। दिस कंपाउंड इज सुपर इम्पोज इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड अकायरल। अकायरल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, काइरल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बस समझ में आ गए, बिल्कुल क्लियर है। अब पहचानेंगे कैसे, देखिए अब पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपके पास, कि अगर आपको पहचानना है कि सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो पता लग गया, हमें क्या पता लगेगा ये काइरल है भी या नहीं है, क्योंकि अब तो हम लोग बात करेंगे इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप कैसे बताओगे काइरल है या नहीं है, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास क्या ले लें, हमारे पास एक 3D बना लेते हैं, एक कार्बन इसकी चार वैलेंसी ले लेते हैं इस तरह से, राइट, एक कार्बन इसकी चार वैलेंसी ले लेते हैं,
इस तरह से आप 3D बनाना चाहो 3D बना सकते हो, वेजर एक्सपेरिमेंट उसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो, जर्नल लिखना चाहो तो जर्नल लिख सकते हो। हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ आपके पास ले लेते हैं बी, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं डी, राइट। अगर हम लोग यहाँ टैली करके चले कि यहाँ आपके पास डी है, यहाँ आपके पास क्या ले रहे हैं सी ले रहे हैं और यहाँ ले लेते हैं आपके पास, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, अब इसका मिरर इमेज बनाओ, यहाँ मिरर रखो। पहली बात, अगर आपको कहीं ऐसा केस मिल जाए कि सर एक कार्बन है और इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, दिख रहे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो याद रखना आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा काइरल होगा। क्या होगा, हमेशा काइरल होगा, ऑलवेज काइरल, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देख लो एक कार्बन उसकी चारों लेंथ से डिफरेंट है तो इसका मतलब काइरल है। चलो हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं क्योंकि हमें पता है काइरल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द नॉन सुपरइम्पोज इट्स देयर मिरर इमेज। तो नॉन सुपरइम्पोज है भी या नहीं है, देखिए यहां रखते हैं आपके पास क्या ए रख लेते हैं, यहां रखते हैं आपके पास क्या बी रख लेते हैं, कि सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां अगर रखना चाहें तो कि ये हमारे पास चार वैलेंसी, ठीक है, यहां रख रहे हो क्या बी रख लो, यहां रख रहे हो क्या डी रख लो, सॉरी डी रख लेते हैं यहां पे, ठीक है, और यहां क्या रख लेते हैं आपके पास सी रख लेते हैं यहां पे, क्लियर, दिख रहा है साहब सबको, दिख रहा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सॉरी डी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, देखिए इसके साथ बिल्कुल मिरर लगाएंगे तो ऐसे दिखेगा ये, क्लियर है, थोड़ा सा आपके पास ये भी इन्वर्ट दिखेगा तो उसको मैंने सीधा लिख दिया ताकि आपको ठीक से दिख जाए, ठीक है। अब इस चीज को एज इट इज के नीचे लेके आइए, ये कार्बन यहाँ मान लीजिए ए था, यहाँ मान लीजिए डी था, यहाँ मान लीजिए बी था और यहाँ मान लीजिए सी था, तो देखिए ए के ऊपर तो ए आ रहा है, आ रहा है, 3D में अगर रखते हैं ऐसे ही अगर ऊपर रखेंगे तो ए के ऊपर जस्ट ए आ रहा है, सी के ऊपर सी आ रहा है, क्या बी के ऊपर बी आ रहा है, नहीं, बी के ऊपर क्या आ रहा है डी आ रहा है, इस डी के ऊपर क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोज हो गया अपने मिरर इमेज का, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काइरल। तो जितने काइरल कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जितने काइरल कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो आपको पहचानने का अच्छा तरीका बताया कि एक कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, काइरल कहलाएंगे। तो अगर आपके पास डिसिमेट्री ऑफ द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन टू एग्जिस्ट द एनेंशियोमर, तो इसको हम लोग जो कहते हैं ना, इसका ये इसका मिरर इमेज हो गया, तो इसके जो पेयर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास क्या, एनेंशियोमर, क्या बोल रहे हैं आपके पास एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। तो आपसे कोई पूछ ले आपके पास एनेंशियोमर क्या है, तो सच ए पेयर ऑफ किसका, कहता है आपके पास काइरल कंपाउंड का, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर कहलाएगा। जो आपके पास काइरल कंपाउंड का मिरर इमेज होगा, जैसे ये इसका मिरर इमेज है, तो ये पेयर मेरे पास क्या कहला रहा है, आपके पास एनेंशियोमर कहला रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया जितने काइरल कंपाउंड होंगे सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ये इसका मिरर इमेज मिल गया, मिरर इमेज आपके पास क्या हो गया, क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर। तो आपसे कोई पूछ ले एनेंशियोमर क्या होता है, तो आप एनेंशियोमर की भी डेफिनेशन दे सकते हो, क्या लिखोगे, कहता है कि द कंपाउंड इज अ मिरर इमेज टू ईच अदर एंड नॉट सुपरइम्पोज आर टर्म्स, कि आपके पास क्या होगा, मिरर इमेज तो होंगे पर वो सुपरइम्पोज नहीं होंगे, वो क्या होंगे, नॉन सुपरइम्पोज होंगे। तो नॉन सुपरइम्पोज पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। तो आप याद रखोगे कि सर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए तो हम लोग किसको एनेंशियोमर बोलेंगे, तो इनके पेयर को जो क्या हो, नॉन सुपरइम्पोज हो अपने मिरर इमेज के, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एनेंशियोमर कहलाएंगे, राइट। आगे चलिए, आगे अगर देखते हैं तो आगे आपके पास टर्म्स क्या आते हैं इसमें, इसमें हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप लोग कार्बन को कंसिस्ट करते हो, कहता है लीज द वन असिमेट्रिक कार्बन एंड कैपेबल शोइंग द फिनोमेना आर कार्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यहीं पे आप लोग किसका जन्म देते हो, कायरलिटी सेंटर का। क्या बोल रहे हैं, अगर आपसे कहीं आ जाए, यहाँ पर एक वर्ड लिख दें कायरलिटी सेंटर, क्या लिख रहे हैं, सी एच आई आपके पास आर ए एल आई टी वाई, कायरलिटी सेंटर, तो कायरलिटी सेंटर बोले या आपके पास इसको बोले, यही आपके पास कायरलिटी सेंटर होगा, द कार्बन एटम विच द बॉन्डेड फोर एटम एंड ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड काइरल कार्बन, यानी स्टीरियो सेंटर बोले, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टीरियो सेंटर, काइरल सेंटर, देखो इसके कई नाम है, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक कह दे,
कायरलिटी सेंटर कह दें, कायरल कार्बन कह दें, ये सब आपके पास एक ही नाम होंगे, यानी चार एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, दैट इज कायरल कार्बन, दैट इज कायरलिटी सेंटर, दैट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट इज स्टीरियो सेंटर। तो ये सारे आपके पास एक ही वर्ड्स हैं जिसको आप लोग टैली कर सकते हो कि सर अगर हमारे से पूछ ले कि अनसिमेट्रिक कार्बन है उसकी कायरलिटी सेंटर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो इस पेयर को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग उसको टैली कीजिए, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि हमारा पढ़ा हुआ भी है नहीं। तो ये क्लियर है, सब बता सकते हो। मान लीजिए आपके पास क्या हो, अकायरल देखना हो, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए। अब इसका मिरर इमेज बना लेते हैं, देखो ये इसका मिरर इमेज है। यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ आपके पास क्या ले लेते हैं, सॉरी बी ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं। अब इसको नीचे रखिए, तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज हो गया तो क्या कहलाएगा आपके पास, सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज हो गया तो क्या कहलाएगा आपके पास, अकायरल। क्या कहलाएगा, अकायरल। और देखने का तरीका भी आपके पास है, अकायरल क्यों है, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए, कौन से सेम हो गए, ये बी रहा, ये बी रहा, ये बी रहा, ये बी रहा, तो इसके पेयर को अनिशुमर नहीं बोलेंगे। किसके पेयर को बोलेंगे, इसके पेयर को, याद रह जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल अगर हम लोग टैली करें तो देखिए कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल बनने हैं। अगर मैं यहाँ टैली करूँ कि सर अगर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी बता भी रहे हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हो, तो हमने कोई एग्जांपल दे दिया, लाइक आपके पास लैटिक एसिड दे देते हैं। तो लैटिक एसिड आपके पास क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ चार कार्बन, एक कार्बन यहाँ ले लीजिए सी एस थ्री, यहाँ ले लीजिए एच, यहाँ ले लीजिए आपके पास ओ एच, यहाँ ले लीजिए आपके पास सी डबल ओ एच, और यहाँ ले लीजिए आपके पास एच, दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है। तो आप देखिए अगर आप लोग ढंग से देखते हो, ये लैटिक एसिड का फार्मूला है, आपको पता है कि टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को लैटिक एसिड बोलते हैं। ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। और कायरल है तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, कुछ नहीं करना बस इतना याद रखना है, कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहचाने आ गया, बोलो पहचान सकते हो, सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन आपको मिले सब आप कर सकते हो कि हाँ इसका। अगर आपको ये कह दें कि सर इसका मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज भी हम लोग इसका चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं इसका मिरर इमेज बना दूँ, यहाँ पे ये मिरर इमेज बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसका मिरर इमेज ले लेते हैं कि सर ये आपके पास था तो सी एस थ्री, यहाँ पर आपके पास ओ एच, यहाँ आपके पास एच, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सी डबल ओ एच, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये भी आपके पास क्या है, कायरल ही है, क्योंकि ये भी ग्रुप डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो सिंपल सी बात है कायरल है, कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पीछे पढ़ के आ गए, मेरे इमेज होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। अगर इसके पेयर को हमने क्या बोला था, एनेंशियोमर। और एग्जाम्पल लेते हैं कि सर इसको हटा के कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, जैसे ये आपके पास कार्बन है, यहाँ मान लीजिए सी एस थ्री, यहाँ मान लीजिए सी एस थ्री, यहाँ मान लीजिए सी डबल ओ एच, और यहाँ मान लीजिए एच है, तो आपको पता है कि ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम हो गए तो क्या होगा आपके पास, अकायरल होगा, और अकायरल है तो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है कि आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी कि सर हमारे पास कहाँ दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2OH, अब मुझे देखना कि ये कायरल है या नहीं है, तो पहला तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, दूसरे कार्बन को लेके चल रहे हैं, इसमें कितने आपके पास, तीन हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ सी डबल ओ एच, यहाँ सी एस थ्री, ऐसे पहचान सकते हो, देखिए ये डिफरेंट, ये सेम हो गए दोनों, ये डिफरेंट हो गया, तो ये वाला कार्बन क्या होगा आपके पास, अकायरल होगा, क्या होगा, अकायरल। और जितने अकायरल कंपाउंड है वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रहेगा। तो सबसे पहले डाटा तो आपके पास यही रहेगा कि किसी कंपाउंड को हम लोग कायरल देखते कैसे हैं, किस तरह से उसको टैली करते हैं, कायरल है या नहीं है, उनके जो मिरर इमेज होंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर। जो कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो अकायरल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एलिन जैसे एग्जाम्पल आते हैं वो ऑप्टिकली सॉरी कहते हैं कायरल ना होने के बावजूद भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, वो हम लोग फिर उसके पोजीशन को देख के बताते हैं कि आपके पास ऑप्टिकली एक्चुअल में होंगे भी या नहीं होंगे, तो उसमें थोड़ा पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी सब हम लोग इजिली पहचान सकते हैं कि सर ऐसे कंपोनेंट अगर आ गए
तो हम लोग उसको किस तरह से टैली करके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि सर अगर हमारे को चेक करना हो कि भाई आपके पास कितने कितने कहाँ कहाँ आपके पास वो मिलेंगे इसमें काइरल कार्बन, जैसे टार्ट्रिक एसिड है COOH, यहाँ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ COOH, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पास दो काइरल कार्बन है। देखिए एक ये मिलेगा वन, एक टू, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। तो नंबर ऑफ काइरल कार्बन कितने हो गए आपके पास, टू काइरल कार्बन हो गए, टू काइरल कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड काइरल हो गया तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। इनका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनका जो मिरर इमेज होगा, देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज ऐसे लूं, हालांकि काइरल तो हो गया पर देखिए अगर मैं इसका हाफ कर दूं सीधा, दिख रहे, तो ये इसका मिरर इमेज है, तो इसको बोलते हैं मीजोफॉर्म। क्या बोलते हैं, मीजोफॉर्म। जब हम लोग आगे जाके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके मीजोफॉर्म भी देखेंगे। तो ये इसका मिरर इमेज है तो मीजोफॉर्म हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रखता कि COOH यहाँ पर, सी यहाँ, एच यहाँ, ओ एच यहाँ पर आपके पास, ओ एच यहाँ आपके पास, एच यहाँ आपके पास, COOH, तो काइरल तो जब भी होता। मान लीजिए अगर आपके पास ये वन और टू कार्बन है आपके पास, क्या रहते हैं, तब भी काइरल रहते हैं कि सर ये वन, ये टू, ये सारा ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, सारे डिफरेंट है। पर आप इसका मिरर इमेज लिखिए, यहाँ पर आशीषा रखिए, ये देखिए ये इसका मिरर इमेज है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मिरर इमेज है तो ये मीजोफॉर्म नहीं होगा, ये मीजोफॉर्म नहीं होगा, मीजोफॉर्म ऐसा होगा। बस समझ में आ गई, ये क्या हो सकता है, ये काइरल हो सकता है, मीजो नहीं हो सकता, ये काइरल भी है और मीजो भी है। अगर आप इसको ऐसे रखते सर इसका मिरर इमेज ले लो, तो COOH यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एच यहाँ, ओ एच यहाँ आपके पास क्या होगा, ओ एच यहाँ, एच यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ ओ एच, राइट, ये इसका मिरर इमेज है। तो आपको पता है कि मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंशियो मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, एनेंशियो मर, कि मिरर इमेज आपके पास जो मिलेगा वो क्या होगा, एनेंशियो मर होगा। तो एनेंशियो मर आपको पता लग गया, मीजोफॉर्म आपको पता लग गया, काइरल पता लग गया, काइरल पता लग गया। तो आई होप आप लोग पहचान सकते हो कि कौन किसका एनेंशियोमर होगा, मीजोफॉर्म क्या होगा। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज मिले, तो वो हमेशा क्या होगा, मीजोफॉर्म होगा। जरूरी नहीं है हम दो कार्बन लें, हम छह भी ले सकते हैं, आठ भी ले सकते हैं, यानी आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऑड नहीं, ऑड के नहीं बनेंगे मीजोफॉर्म कभी भी, ठीक है, इवन के बन जाएंगे आपके पास। तो इवन में आप लोग टैली कर सकते हो कि सर कहाँ से हम लोग मीजोफॉर्म टैली करें, कहाँ से हम लोग क्या टैली करें। तो आगे चल के जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे भी भाई आपके पास इनको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक आपके पास एक यूज़ करेंगे रेसिमिक मिक्सचर को, क्या करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर को, कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होते हैं या आपके पास, तो उसको हम लोग इसके सेकंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी तो देखिए फिर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो पहले आप इनको टैली कीजिए अच्छे से, और टैली करके फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग इन्हीं के जो मिक्सचर है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। उसकी रिटेंशन देखेंगे, रोटेशन देखेंगे, कौन सा क्लॉकवाइज दे रहा है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी रिएक्शन में पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिविटी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर आपको पहचानना हो, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ब्यूटेन टू ऑल और मैं कहूँ इसमें काइरल कंपाउंड बताओ या काइरल कार्बन बताओ, तो बता सकते हो, देखो दो एग्जांपल देता हूँ, आप काइरल कार्बन निकाल के बता दोगे। जैसे ब्यूटेन टू ऑल दे दिया मैंने, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, तो आप देखिए इसका आपके पास ढूंढना है काइरल कार्बन कितने हैं। तो पहला कार्बन देखिए, पहले कार्बन में तीन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो चारों डिफरेंट चाहिए। दूसरे कार्बन में दो हाइड्रोजन है, तो नहीं होगा। ये देखिए इसमें भी तीन हाइड्रोजन है, तब भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये देखिए ढंग से, तो इसको अगर ढंग से लिखते हैं तो सी यहाँ ओ एच, यहाँ सी एस थ्री सी एस टू, यहाँ पर आपके पास एच आ गया। तो देखिए आपके पास चारों कार्बन, एक कार्बन के पास चारों ग्रुप देखिए, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काइरल। पहचान सकते हो काइरल है तो क्या मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ले लूँ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर सब जानते हो, मान लो ओ एच यहाँ, एच यहाँ आपके पास, एच यहाँ, ओ एच यहाँ आपके पास, एच यहाँ, ओ एच, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना मैं आपके पास रैंडमली लिख रहा हूँ, यहाँ एच यहाँ, ओ एच, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ ओ एच, राइट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास ग्लूकोज 16 आइसोमर होते हैं,
तो मैं जनरली लिखा है, तो कोई ऐसा ना सोचे कि OH की पोजीशन इधर होगी इधर होगी, उसको ध्यान ना दे। आपको सिर्फ यहाँ ढूंढना है कि कितने कायरल कार्बन है, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरे को देखिए, फर्स्ट ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये पूरा डिफरेंट, तो पहला हो गया एक कायरल कार्बन। देखिए ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इसको पूरा मानिए, इसको एक मानिए, दो हो गए। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इसको एक मानिए, इसको एक मानिए, तीन हो गए। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इसको एक मानिए, इसको पूरे को एक मानिए, चार हो गए। चार कायरल कार्बन, यहाँ तो CH2 है तो इसके कायरल है, कायरल होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन तो कितने होंगे आपके पास, तो आप बता दोगे आपके पास सर कितने हैं, तो हमारे पास चार नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। कितने हैं, चार नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कायरल कार्बन कितने होते हैं। भाई ग्लूकोज के आइसोमर में तो बाद में पूछ लूंगा, C6H12 है, मैं कह दूंगा इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर का, वो लिखेंगे 2^n। तो n कितना है, 4, तो 2^4 कितना आ गया, 16। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जहाँ हम लोग टैली कर सकते हैं। बट पहले उससे पहले क्या आना चाहिए, कायरल कार्बन फाइंड करना। अगर आपको कायरल कार्बन फाइंड नहीं करना आता तो आप फंस जाएंगे। फिर एक इसमें छोटी इंपॉर्टेंट बात और क्या है, आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए कर दिया, क्या ये इसका मिरर इमेज है, नहीं है, तो इसका मतलब ये मेसोफॉर्म नहीं है, सिंपल फंडा है। तो अगर ऐसा कंपाउंड मिल जाता है तो उसके लिए मैं फार्मूला बना लेंगे 2^n, बस। अगर इवन कार्बन है 2^n लिखो, सीधा वैल्यू रखो, आंसर आपके पास निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहले कीजिएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन है, पहले आप लोग ये पहचानिए क्या कायरल कार्बन कैसे देखते हैं, सो सुपर इम्पोज होगा भी या नहीं होगा, तो कैसे उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी बताएंगे। तो पहले आप लोग ये कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ हम लोग रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।